अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर्स बाय सानिया। आज हम पकाएंगे पालक गोश्त। आइए शुरू करते हैं। हम एक कुकर में 2 कप तेल डाल देंगे, उसमें हम 5 बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और ट्रांसलूसेंट हुए तक पका लेंगे। यहाँ प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे ट्रांसलूसेंट ही रखेंगे। 4 बारीक कटे हुए टमाटर डालकर उन्हें अच्छे से पका लेंगे जब तक वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमाटर अच्छी तरह गल जाने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्चियों का पेस्ट। अब हम इसे 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्चियों का पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे, उसमें 2 चम्मच पानी ऐड करके अच्छी तरह उसे पका लीजिए। मसाले भूनने के बाद हम उसमें डालेंगे 1 किलो मिक्स बोटी गोश्त और उसे अच्छी तरह 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। गोश्त भूनने के बाद हम उसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे और 2 छोटे चम्मच नमक ऐड कर देंगे। अब हम कुकर बंद कर उसे 1 विसल के बाद 15 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। कुकर खोलने के बाद हम एक्स्ट्रा पानी सुखा लेंगे। पानी सुखाने के बाद हम 3 बंडल पालक के डालेंगे बारीक चॉप किए हुए और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे 3 मीडियम साइज के चॉप किए हुए आलू और अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम वापस इसे 1 विसल के बाद 5 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। यहाँ हमारा पालक गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। गोश्त भी एकदम अच्छे से गल गए हैं। हम ऊपर से थोड़ी कोथमीर ऐड कर देंगे। पालक गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। आप सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।